तो गाइस आज हम आए भगवान के द्वारे इस्कॉन टेम्पल द्वारका। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे किसी मंदिर जाए बट संडे को अब हमने सोचा कि अब मंदिर ही चलते हैं। पहले शूज दे देते हैं। शूज देने पड़ेंगे, चलो पहले शूज दे देते हैं। वो भी उतारने के चुराबे नहीं, सॉक्स तो चल जाएंगे। सॉक्स चल जाएंगे अंदर। ओहो भैया का वो जलते में उतरवा दिया। टोकन नंबर 335। मैं तो चुराब पहन रखी है, गर्मी में हालत। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, अग्नि परीक्षा। मैंने तो सॉक्स पहन रखे, सॉक्स नहीं पहन रखे। ओह भाई साहब। एंट्री हम कर चुके हैं बट अभी पता चला है कि सिर्फ 2 मिनट की आरती बची है। बट हम आपको इस्कॉन के अंदर का कल्चर दिखाते हैं। भगवान जी की कृपा हमारे साथ थी। अब कृष्णा जी के विश्राम का समय हो चुका है तो अभी उन्होंने सारे जो द्वार होते हैं वो बंद कर दिए उनके विश्राम के लिए। तो अब शाम को ये द्वार खुलेंगे। तो लकीली हम टाइम से पहुंचे, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का टाइम था। हमने दर्शन भी कर लिए, माहौल भी देख लिया। चलो चल के मैंने सॉक्स पहन रखे, उसने नहीं पहन रखे, वो भाग रहा है, उछल उछल के भाग रहा है। एक और उतार के तो कर रहे हैं। एक और पहले वो देखो, जो बिल्डिंग वो देख रहे बन जाती शायद से जल्दी। और इनका एक्सटेंशन है ना इस मंदिर का। हाँ, लेकिन हुआ क्या था, बीच में कोरोना आ गया था ना, जब जितने भी जो इनके फंडिंग वगैरह थी ना, ये तो काम स्टॉप करते थे। जो फंडिंग थी सारे, जितने भी द्वारका में से आजू बाजू जहाँ से फोन आते थे ना, सबके लिए फूड निकालते थे। पता नहीं कितने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को इन्होंने खाना खिला चुके हैं। तो 2 साल 2.5 साल तक लगातार इन्होंने जो बुजुर्ग थे, जो बीमार थे उनके घर में, और खाना एक नंबर का ऐसा वाला लाल चुचा उनकी थाली फेर में। चलो फिर कैंटीन यहाँ से। ब्रेड तुमने कहाँ से ली थी? ब्रेड यहाँ से ली थी। ब्रेड मैंने यहीं से ली थी। तो ज्यादा टाइम ब्रेड यहाँ से ले लेंगे, अभी कैंटीन चलते हैं। कैंटीन चलते हैं, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट तो कृष्णा जी के रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो गाइस वी हैव रीच्ड गोविंदास, सात्विक रेस्टोरेंट। तो थोड़ा सात्विक फूड ट्राई किया जा सकता है। एंड टाइमिंग फॉर द रेस्टोरेंट आर 12 बजे खुल जाता है। टाइम कितना हो रहा है अभी? 12 से रात 10 तक। हाँ तो हो गया ना, खुल गया। अभी समय हो रहा है 1, तो वी आर गोइंग इन। चलो चलो। प्योर वेज रेस्टोरेंट है, आउटसाइड टेबल्स नॉट अलाउड, ऑब्वियसली मंदिर है, वहाँ बैठते हैं। चलो चलो। मैं सोच रहा हूँ कि अभी हमने एक जगह जाना है वैसे खाने के लिए, घर में राजमा चावल ही बने हुए हैं, तो यहाँ से एक चीज़ ट्राई करके जाते हैं। भगवान के रेस्टोरेंट में आए तो सात्विक भोजन, तो हम सात्विक भोजन तक तो खा के जाएंगे। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी मेन्यू भाई मेरा भाई लिया है। मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू में सात्विकता आ गई। नॉर्मली आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको ना भाग दौड़ लगेगी, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। बट यहाँ पे ना शांति है, ऐसा लग रहा है लोग बड़े शांत है यहाँ पे आके। लस्सी, जलजीरा, ताज़ा नींबू पानी, मसाला छाछ, मोमोज भी है उनके जैसे खाने को। तो तंदूरी मोमोज़ सात्विक में मोमोज सबसे आगे कुछ होगा। सात्विक हरा भरा कबाब, तंदूरी रोटी, इंडियन मेन कोर्स तवा चाप, सैलेड, मिठाई, खीर खा सकते हैं उनका। जी खीर खा सकते हैं, एक खीर ले सकते हैं। सूप है, डिमसम भी है सात्विक में, डिमसम। हरे रामा हरे रामा 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 हरे। गलत आइटम तो नहीं मंगा लिया हमने?
क्यों गलत गया? चटनी दूसरी है ना भाई, सात्विक डिम सम है। वो भी सात्विक तरीके से बन सकता है, ऐसा कुछ बन सकता है उसके। लेकिन लाल चटनी में सात्विकता खत्म हो जाती है, ग्रीन चटनी में सात्विकता दिखती है। अभी डिम सम भी दिखाएंगे ऐसा, डिम सम का कलर भी ग्रीन निकला है। चावल के आटे में लिपटा डिम सम ना मिल जाए, इतना टेस्टी खाने ना, तो भाई मैं तो साथ ही रहने को तैयार हूँ। इतनी मस्त चटनी है, मतलब ना अभी डिम सम का वेट हो रहा है। ये पूरी सात्विक है, मोमोज उठाओ और खाओ। वैसे मैं स्टीम खाता नहीं, बट ये अच्छे हैं वाकई में। सात्विक भोजन जिंदाबाद। नाउ आवर फूड इज डन, हमने खाए, ये हमने जगह दिखाई थी। अगर फाइव फैमिली का था सात्विक भोजन के टेस्ट के बाद, अब यहाँ पे मेरा भाई बता रहा कुछ ब्रेड मिलती है बहुत अच्छी। ब्राउन ब्रेड लाया था, पसंद नहीं थी लास्ट टाइम, इतनी अच्छी थी तो ब्राउन ब्रेड खरीदने जा रहे हैं। यहाँ से खरीदनी ब्रेड आ जा ब्रेड्स वगैरह है भैया, ब्रेड्स ब्रेड पंकज ब्रेड खत्म है, ब्रेड खत्म हो गई। फिर क्या ले? पुडिंग लेनी है। पुडिंग नहीं यार, ब्रेड तो लेके तो गया था लास्ट, यहाँ से कहाँ गई? ब्राउन ब्रेड पहले रखते थे भैया, ब्रेड यहाँ पे ब्राउन ब्रेड तो रखते थे, ब्रेड रखते थे यहाँ पे, हमें ब्रेड यहाँ की बहुत पसंद आई थी लास्ट टाइम। दोबारा ब्रेड पकौड़ा कह रहे हैं ना? नहीं, ब्रेड ब्राउन ब्रेड ब्रेड वगैरह बेचते थे यहाँ पे पहले। सर एक्चुअली क्या थोड़ा सा स्टाफ का शॉर्टेज है, इसीलिए। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं बेचते। अच्छा, देख ले फिर क्या खाना तुम्हें, फिर क्या खाना जब तेरे को आई नहीं समझ में। चल पहले निकलते हैं, शूज वगैरह तो ले ले, शूज वगैरह लेके फिर आ जा। जाना पड़ेगा। ये देखो बिना सॉक्स पहन के आने का नतीजा इस गर्मी में। एंट्री कहाँ से? एग्जिट वहाँ से, एग्जिट वहाँ से, वहीं से एंट्री, वहीं से एग्जिट भाई। आ जा। ब्रेड हमें मिली नहीं, पुडिंग हमने खाई नहीं, क्योंकि हमें कुछ और भी खाना है अभी। वहाँ पे कुल्फी वगैरह शाम को लगता है, टेबल वेबल लग रही है ना। अच्छा। वो शाम के लिए लगते हैं, शाम को बढ़िया माहौल होता है, कभी शाम को आएंगे दिखाएंगे। शाम को दोबारा आएंगे एक बार, अब जल्दी से जूते पहन ले। टोकन किसके पास है? अगर मान लो टोकन खो गया मेरे से, लो भैया 335 दोनों शूज। भैया ने पहले ग्रे निकाला, अच्छा किया। तो गाइस अब चल रहा हूँ मैं उल्टा, क्योंकि वहाँ से सनलाइट आ रही थी, मेरा चेहरा काला नजर आ रहा। तो इस ब्लॉग को भी करते हैं एंड, अब सेकंड ब्लॉग की हम तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ब्लॉग के लिए हम कहाँ जाएंगे पंकज? राहुल पता है क्या, जब मैं वहाँ से आ रहा था ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, जैसे तपते हुए तन के, इस तपते हुए तन के साथ और कृष्णा के आशीर्वाद के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।